नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में इस फोर्ड फिगो एक्सपायर का मैं एयर फिल्टर रिप्लेस करने वाला हूं और इसकी ऑयल और ऑयल फिल्टर रिप्लेस करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये वीडियो देख के आप आपके घर पे ही गाड़ी का सर्विसिंग भी कर सकते हो ऑयल चेंज का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको गाड़ी का हुड ओपन करना है और हुड के अंदर आना है। फिर आपको आपकी ऑयल डिपस्टिक जो है वो खींच के बाहर निकालनी है। और इधर आप देख सकते हैं इस इंजन में कितना काला ऑयल है वो। इसको पोंछिए, डिपस्टिक फिर से वापस अंदर डालिए, फिर से बाहर निकालिए और देखिए ऑयल लेवल टिक टाक है क्या। तो इधर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का ऑयल लेवल भी टिक टाक नहीं है और इसकी ऑयल भी बहुत ही काली हो चुकी है। तो इसको अभी हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो ये है गाड़ी का एयर फिल्टर बॉक्स। इसको ऐसा एक रिंग रहेगा, ये रिंग को पहले लूज कीजिए। अभी इस गाड़ी का अगर आप ऑयल रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको एयर फिल्टर बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्यों वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको एयर फिल्टर बॉक्स को जो पाइप रहता है इसके दोनों साइड में रिंग्स रहता है, ये दोनों साइड के रिंग्स आपको लूज करने हैं। फिर ये पाइप जिधर एयर फिल्टर को कनेक्ट किया हुआ रहता है उधर से आपको डिस्कनेक्ट करना है ऐसे खींच के। फिर आपको एक एलन की लेनी है। अभी ये एलन की मैंने इस सेट में से ली हुई है, जो 2.5 लिखा हुआ है वो 2.5 की एलन की मैंने ली है। और इस एयर फिल्टर बॉक्स को चार एलन के स्क्रूज रहेंगे, ये चारों स्क्रूज आपको निकालने हैं। तो ये निकल गया मेरा एक स्क्रू। और इधर आप देख सकते हैं कितना लंबा ये स्क्रू होता है वो, तो बहुत आपको घुमाना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये चारों स्क्रूज निकालिए। और इधर आप देख सकते हैं ये स्क्रू कैसे कोने में है वो, ये भी आपको निकालना है। तो ये चारों स्क्रूज निकालने के बाद आपका एयर फिल्टर का कवर जो है वो ऐसे खींचा तो बाहर निकलेगा। लेकिन पहले आपको इसको एक ब्रीदर पाइप कनेक्टेड रहता है, ये ब्रीदर पाइप छोड़ना है। और ब्रीदर पाइप छोड़ने के बाद एयर फिल्टर के कवर को ऐसे बैटरी के ऊपर रखिएगा, उसको उधर ही छोड़ो। और अभी हम लोगों को ये पूरी एयर फिल्टर बॉक्स की असेंबली जो है वो बाहर निकालनी है। और ये बाहर निकालने के लिए एयर फिल्टर की असेंबली जो है वो इधर क्लिप डाउन रहती है। ये क्लिप्स ऐसे स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल के छोड़िए। और एक क्लिप छोड़ने के बाद बॉक्स के ए साइड आइए और ये कोने में भी आपको ऐसे ऊपर निकालना है बॉक्स को थोड़ा। फिर आपका ये पाइप जो है वो निकाल के साइड में रखिए। और वो पाइप निकालने के बाद आपका एयर फिल्टर बॉक्स असेंबली जो है वो ऐसे खींचा तो आराम से बाहर निकलेगा। इसको और कोई कनेक्शन नहीं है। इधर आप देख सकते हैं ये निकल गया मेरा एयर फिल्टर बॉक्स असेंबली और ये गिर गया मेरा एयर फिल्टर। अभी आप सिर्फ एयर फिल्टर ही रिप्लेस करना चाहते हो तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर का कवर ही निकाल के एयर फिल्टर बाहर निकाल के आप रिप्लेस कर सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो अभी जहाँ से आपने एयर फिल्टर का बॉक्स निकाला है उधर आप इसे नज़दीक आओगे तो इधर आप देखोगे ये ऑयल फिल्टर का कवर है। अभी ये कवर आपको निकालना है। लेकिन वो निकालने से पहले मैं जाऊँगा कार के नीचे ऑयल ड्रेन बोल्ट निकालने के लिए। अभी इधर ध्यान से देखिए ये ऑयल ड्रेन बोल्ट किधर है वो। इधर साइड में टायर है और टायर के जस्ट ए साइड आओगे तो आपको दिखाई देगा ये ऑयल ड्रेन बोल्ट। अभी ये ऑयल ड्रेन बोल्ट के नीचे एक बर्तन डालिए, प्लास्टिक का या कौन सा भी बर्तन आपके पास है वो इधर डालिए। और फिर लीजिए एक 21mm सॉकेट। अभी इस बोल्ट को लंबा पाइप लेके आपको लूज करना है। मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे कर रहा हूँ वो। इधर आप देख सकते हैं ऐसे मैं सोया हुआ हूँ और अंदर हाथ डाल के मैं ये बोल्ट को लूज कर रहा हूँ। अभी क्योंकि मैं एक लंबे पाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बोल्ट आसानी से लूज हो गया है, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है इसको लूज करने के लिए। तो ये निकल गया मेरा बोल्ट बाहर और ऑयल मेरी बाहर आने को चालू हो गई है। तो अभी इसको ड्रेन होने को देते हैं और बढ़ते हैं आगे हमारे ऑयल फिल्टर कैप के पास। और इधर आपको लगेगा एक 27mm का सॉकेट, ये सॉकेट लगाइए और ये ऑयल फिल्टर कैप को लूज कीजिए। लूज करने के बाद इसके नीचे भी मैंने एक बर्तन डाला है ताकि सब जगह ऑयल ना हो जाए। इधर आप देख सकते हो अभी बर्तन डालने के बाद ये कैप निकालिए और इधर आप देख सकते हो ये है मेरा ऑयल फिल्टर, कितना काला ये हो गया है आप ये देख ही सकते हो। अभी आपको इस कैप से इसको अलग करना है, इसको एक इधर लॉक जैसा रहता है प्रेस करने का, इधर आप देख सकते हो ये प्रेस करना है आपको। तो ये प्रेस करके रख के आपको आपका ऑयल फिल्टर बाहर खींचना है। तो ये निकल गया बाहर मेरा ऑयल फिल्टर। अब इस ऑयल फिल्टर को एक कपड़ा लेके अंदर के साइड में अच्छी तरह से वाइप कीजिए और पुराना सब ऑयल हटाइए। अभी ये है वो जगह जिधर से हम लोगों ने हमारा ऑयल फिल्टर निकाला था। इधर आप देख सकते हैं इधर एक टेंशनर है, मैं आपको थोड़ा प्रेस करके दिखाऊंगा। ये प्रेस होता है, ये ऑयल फिल्टर को अच्छा टाइट रहने में मदद करता है। अभी ये एक ऑयल फिल्टर जो मैंने भाई ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, लेकिन ये गलत ऑयल फिल्टर भेजा है। कोई बात नहीं, इसको वापस भेज सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये मैच नहीं होता है। ऐसे आपको देखना है पहले पुराना ऑयल फिल्टर और नया ऑयल फिल्टर साथ में रख के, अगर मैच होता है तो। कैसे भी करके दूसरे टाइप का ऑयल फिल्टर डालने के लिए ट्राई मत कीजिए, ये आपका गाड़ी का इंजन ख़राब कर सकता है। और ये अमेजोन से हम लोगों ने ऑर्डर किया है एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर देखते हैं
कैसा वाला आया है वो। तो इधर आप देख सकते हैं एयर फिल्टर टिक टाक आया है। अमेजोन वालों को तो दाग देनी पड़ेगी, लेकिन पहले इसको पुराने वाले एयर फिल्टर से मैच करके देखते हैं। तो साइड के डायमेंशंस टिक टाक है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इधर आप देख सकते हैं नया वाला एयर फिल्टर थोड़ा बड़ा है, तो ये शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको एयर फिल्टर बॉक्स में अंदर डाल के देखूँगा अगर वो टिक टाक से बैठता है। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा टिक टाक बैठ रहा है, तो मैं वापस नहीं भेजूँगा, इसको ही बिठाऊँगा। तो ऐसे अच्छी तरह से चेक कीजिए खोलने से पहले अगर टिक टाक फिटिंग होती है या पार्ट्स मैच होते हैं। तो आज के दिन एक परफेक्ट एग्जांपल था पार्ट्स गलत आने का। अभी इधर मैंने लाया है फुली सिंथेटिक मोटर ऑयल और इसमें ऑयल जाती है 5W30। इधर आप देख सकते हो 4 लीटर का ये कैन है, तो 4 लीटर आपको चाहिए इंजन वापस फिलअप करने के लिए। तो इधर मैंने खोल दिया है मेरा कैप और इधर आप देख सकते हैं ये सील्ड है, कोई लीकेज नहीं है इसमें। तो अभी इसको साइड में रखता हूँ। तो अभी पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो है मैं गाड़ी के नीचे जाऊँगा और जो बोल्ट मैंने निकाला था वो बोल्ट अभी मैं वापस डालूँगा। तो वो वापस डालने के लिए ये ट्रे को मैं पुश करके थोड़ा आगे करूँगा ऐसे। बाद में एक कपड़ा लेके जो एक्सेस ऑयल है वो पोंछे, क्योंकि अगर आपने बोल्ट वापस डाल दिया और कुछ लीकेज हो रही है तो आपको पता नहीं चलेगा अगर ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं है। तो ये ड्राई करने के बाद जो ऑयल ड्रेन बोल्ट आपने निकाला था वो अभी वापस डाले और उसको अच्छी तरह से टाइट कीजिए। अभी वो टाइट करने के बाद ये मैंने लाया है नया ऑयल फिल्टर जो मैंने मेरे लोकल मार्केट से लाया है, लेकिन ये भी फोर्ड फिगो एस्पायर का नहीं है, ये फोर्ड एको स्पोर्ट का है। लेकिन दोनों गाड़ियों को सेम टाइप का ऑयल फिल्टर जाता है, कंपेयर करके मैंने देख लिया है एग्जैक्टली सेम है। तो ये वाला नया ऑयल फिल्टर अभी मैं इस गाड़ी में डाल दूंगा। तो इस कैप के ऊपर ऐसा एक रबर गैस्केट या वाइसर जैसा रहेगा, इसको निकालिए क्योंकि नए वाले के साथ नया रबर आता है। इधर आप देख सकते हैं ये है नया रबर। तो ये नया रबर अभी आपके ऑयल फिल्टर कैप पे डालिए। तो ये डाल दिया मैंने नया रबर रिंग। अभी ये रिंग डालने के बाद आपका ऑयल फिल्टर जो है वो कैप में पहले फिट कीजिए और कैप में ऐसे फिट करने के बाद उसको अपनी पोजीशन में डाल के कैप को टाइट कीजिए। इसको ज्यादा भी टाइट करके कैप को खराब मत कीजिए, ये प्लास्टिक का है और जो मैं सॉकेट यूज कर रहा हूँ वो स्टील का है, आपने देख ही लिया है। तो थोड़ा स्नग होने के बाद टाइट करने को बंद कीजिए। अब इसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद मेरा ऑयल फिल्टर आ गया है पोजीशन में। अब आपको जो एयर फिल्टर बॉक्स है उसको थोड़ा क्लीन करना है, अगर उसमें कुछ धूल या कुछ पत्ते कुछ है तो उसको ऐसे खाली कीजिए। अब इस एयर फिल्टर को दो प्रेसिंग लॉक्स रहते हैं, इधर आप देख सकते हैं ये वाले, ये दोनों, इन दोनों होल्स में अंदर जाने चाहिए प्रेस करके। तो अब एयर फिल्टर बॉक्स जो है वो जैसे आपने निकाला था वैसे वापस अंदर डाले और अच्छी तरह से प्रेस कीजिए ताकि वो प्रेसिंग लॉक बैठ जाए ठीक से। फिर आपको इस कोने में अच्छी तरह से फिट करना है और बाद में एक क्लिप लॉक जो आपने छोड़ा था स्क्रू ड्राइवर लेके, इसको अच्छी तरह से प्रेस करके अंदर डालिए। एक क्लिक करके आवाज़ आएगा, इससे आपको पता चलेगा ये ठीक से अंदर जा चुका है। फिर आपको आपका नया एयर फिल्टर लेना है और इस बॉक्स के अंदर डालना है। नया एयर फिल्टर डालने के बाद ये पाइप जो आपने छोड़ा था वो अभी इन पोजीशन डालिए और आपके कवर को कनेक्ट कीजिए। आप रिंग्स जो है वो बाद में भी टाइट कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल इसको कनेक्ट कीजिए और ये कनेक्ट करने के बाद रिंग्स को इन पोजीशन डालिए और दोनों रिंग्स को अच्छे तरह से टाइट कीजिए। फिर आपको जो 4 एलन की के स्क्रूज आपने निकाले थे वो अभी वापस बिठाने हैं और ये 4 स्क्रूज वापस डालने के बाद आपका ऑयल फिलर कैप जो है उसको निकालिए और अब आपको आपका नया वाला ऑयल जो है वो खोलना है। वो खोलने के बाद एक फनल डालिए और पूरी ऑयल को इंजन में खाली कीजिए, फनल निकालिए और कैप को बंद कीजिए। कैप बंद करने के बाद आपकी ऑयल डिपस्टिक है उसको निकालिए, उसको पोंछिए और फिर से इसको अंदर डालिए और बाहर निकाल के देखिए अगर ऑयल लेवल टिक टाक है। तो अभी ये टाइम पे ज्यादा से ज्यादा बार आपका कुछ ज्यादा ही दिखाएगा, एक बार इंजन रनिंग होने के बाद इसका लेवल थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, मतलब करेक्ट लेवल पे आ जाएगा वो। अब ये सब टिक टाक होने के बाद गाड़ी के नीचे जाके एक बार चेक कीजिए अगर कोई ऑयल लीकेज हो रहा है। तो अगर ऑयल लीकेज हो रहा है इसका मतलब है आपका ऑयल ड्रेन बोल्ट जो है वो ठीक से टाइट नहीं हुआ है, या उसके ऊपर एक वाइसर रहता है वो आपने फिर से वापस नहीं डाला है, या वो आपका खराब हो गया है, तो वो वाला आपको नया वाला डालना पड़ेगा। अभी फिर आपकी गाड़ी चालू कीजिए और गाड़ी इधर मेरी चालू हो गई है और इधर एक चीज मैं भूल गया, मैं ब्रीदर पाइप कनेक्ट करने को भूल गया। तो ये ब्रीदर पाइप जो है वो आपका वापस एयर फिल्टर बॉक्स को कनेक्ट कीजिए। तो इससे होता है आपका
एयर फिल्टर रिप्लेस और ऑयल फिल्टर रिप्लेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आप कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अब मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।